हाय दोस्तों, मैं हूं दीपेश और आप देख रहे हैं बैंक Hey गुरु। there. चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे Subscribe. कि बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम आया हुआ है दोस्तों, तो इसका पिन कैसे जनरेट करेंगे। न्यू पिन दोस्तों, एक बार आपको जाना पड़ेगा बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में, वहीं से दोस्तों आपका पिन जनरेट होगा। अदर एटीएम में पहली बार नहीं जाइएगा, एक बार यूज करने के बाद आप किसी भी एटीएम में इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में सीखते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में हम पिन को कैसे जनरेट करें। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में यहाँ हम आ गए। देख लीजिए, लिखा हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए, एटीएम मशीन है, यहाँ लाइट ऑन ऑफ हो रहा है। देखिए, यहाँ पे एटीएम मैंने लिया और यहाँ मशीन में कुछ इस तरह से आपको भी डाल देना होगा। तो यहाँ यूज कर दिए दोस्तों, तो अब थोड़ी देर वेट करने बोल रहा है दोस्तों, तो वेट कर लेते हैं। वेट प्लीज वेट, तो वेट करना होगा दोस्तों। अब यहाँ पे अपना भाषा चेंज करें, हिंदी या इंग्लिश। मैं यहाँ इंग्लिश कर देता हूँ, आप हिंदी भी कर सकते हैं। यहाँ पे तीन ऑप्शन है, मैनेज डेबिट कार्ड, एटीएम पिन, सेट जनरेट पिन। तो नीचे वाला सेट जनरेट पिन दोस्तों, जैसे कि यहाँ मांग रहा है इंटर योर 14 डिजिट अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे हमें अकाउंट नंबर लिखना होगा दोस्तों, जो अकाउंट नंबर है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ अकाउंट नंबर दोस्तों, आपको भी यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखना होगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं अकाउंट नंबर यहाँ पे फिलअप कर दे रहा हूँ। यहाँ पे अकाउंट नंबर हो गया दोस्तों, यहाँ है कि करेक्ट सही है तो करेक्ट, नहीं तो गलत। देख लीजिए, करेक्ट किया तो फिर बोल रहा री इंटर अकाउंट नंबर, दोबारा से फिर से अकाउंट नंबर लिखना होगा दोस्तों सेम। तो यहाँ मैं दोबारा से फिर से अकाउंट नंबर लिख दे रहे। फिर दोस्तों ऑप्शन आ रहा है करेक्ट या इनकरेक्ट, करेक्ट है दोस्तों, तो करेक्ट कर दिए। जैसे करेक्ट किए तो दोस्तों प्लीज वेट, ट्रांजेक्शन बिंग प्रोसेस लिख रहा है। तो वेट करेंगे दोस्तों कि क्या आगे प्रोसेस है, आगे दिखाते हैं। इंटर योर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर लिखना होगा दोस्तों, जो मोबाइल नंबर अकाउंट से जुड़ा हुआ है वही मोबाइल नंबर लिखना होगा। चलिए, हम मोबाइल नंबर लिख दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ फिर प्रेस इफ करेक्ट, करेक्ट है दोस्तों। वन टाइम पासवर्ड लिख रहा है कि वन टाइम पासवर्ड आएगा मोबाइल में। तो चलिए दोस्तों, वन टाइम पासवर्ड लिखना, तो मोबाइल भी लेके जाना होगा दोस्तों। यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड दोस्तों आ गया मोबाइल में। चलिए दोस्तों, उसे देख के अभी यहाँ फिलअप कर देते हैं। यहाँ मोबाइल के लिए वन टाइम पासवर्ड फिलअप कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ लिख दिया इफ करेक्ट, ऑटोमेटिक ले लिया दोस्तों, प्रेस किए मगर उसके साथ ही ले लिया। और प्लीज वेट लिख रहा है दोस्तों, तो चलिए वेट करते हैं। आपको भी इतना देर लग जाएगा दोस्तों, प्लीज वेट, योर ट्रांजेक्शन बिंग प्रोसेस बहुत लेट ले रहा है दोस्तों। प्लीज इंटर योर न्यू पिन। तो यहाँ मनचाहा पिन बनाने बोल रहा है दोस्तों, तो यहाँ मनचाहा पिन बना लीजिए, आपको नीचे नहीं दिखा सकते। प्लीज ये इंटर योर न्यू पिन, फिर से वही पिन को दोबारा लिखना है दोस्तों। तो दोबारा लिख देते हैं, ये प्लीज वेट ट्रांजेक्शन बिंग प्रोसेस। तो थोड़ा देर वेट करना है, ये ले रहा है दोस्तों, टाइम ले रहा है, मगर अब रुकना होगा। देखिए, अभी तक प्लीज वेट योर ट्रांजेक्शन बिंग प्रोसेस, हो सकता है आपको भी इतना टाइम ले, बहुत टाइम ले रहा है दोस्तों। अब क्या करूं, कुछ कर नहीं सकते, क्या कि यहाँ लिखा हुआ प्लीज वेट योर पिन इज सक्सेसफुली। यहाँ पिन बन गया है दोस्त, यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ पिन चेंज सक्सेसफुली। अगर चेंज भी करना हो तो शायद यही प्रक्रिया, सेम प्रक्रिया तो चेंज भी होता है, और दोस्तों न्यू भी बनाना तो यही प्रक्रिया है। मैं यहाँ कैंसिल दाब दे रहा हूँ कि न्यू आके एक बार चेक कर ले काम करता है कि नहीं दोस्तों। चलिए दोस्तों, बैलेंस चेक कर लेते इस पिन से। मैंने एटीएम को यूज़ किया, प्लीज़ वेट योर ट्रांजेक्शन पिन प्रोसेस, तो थोड़ा सा वेट कर ले रहे हैं। एक बार कोई ट्रांजेक्शन करके देखते कि मेरा पिन बन गया कि नहीं, वो पिन काम कर रहा है कि नहीं। अभी कर लीजिएगा हिंदी इंग्लिश या इंग्लिश। अब दोस्तों इंटर एटीएम पिन, बैलेंस चेक कर रहे हैं, इंटर एटीएम पिन। यहाँ पे पिन को लिख दे रहे दोस्तों, पूरा पिन को लिख दिया। विदड्रॉ ऑप्शन खुल गया दोस्तों, फिर भी देख लेते हैं। विदड्रॉ बैलेंस इंक्वायरी दोस्तों, बैलेंस इंक्वायरी कर ले रहे हैं। सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट पास प्रेस कर देते हैं। प्लीज वेट योर ट्रांजेक्शन बिन प्रोसेस, यानी बता देगा दोस्तों। देखिए, यहाँ 1000 ओपनिंग किए थे, 1000 से दोस्तों बिल्कुल 1000 है। यहाँ पे हम अपना एटीएम कार्ड लेते हैं, यहाँ कैंसिल भी प्रेस कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप भी चेंज कर सकते हैं या दोस्तों नया क्रिएट कर सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।